नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। बैठक में शामिल होने पाकिस्तान, चीन, रूस समेत सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री गुरुवार को भारत पहुंचे थे। इसके बाद फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की थी। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद नया अध्यक्ष चुनने के लिए आज पार्टी कमेटी की बैठक हो रही है। पवार ने कहा कि 15 सदस्यीय कमेटी जो फैसला लेगी मुझे मंजूर होगा, लेकिन कई कार्यकर्ता इस्तीफे का विरोध कर रहे हैं। बाबा केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग पर ग्लेशियर टूटने के बाद आवाजाही बंद कर दी गई है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रुकने के निर्देश दिए हैं। हालांकि हेली सेवा के जरिए यात्री केदारनाथ जा सकते हैं, लेकिन पैदल यात्रा करने वाले यात्रियों को इंतजार करना पड़ सकता है। देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हालांकि कल नई दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में धूप खिली हुई थी, जिसके चलते थोड़ी गर्मी महसूस हुई। हालांकि मौसम विभाग की माने तो देश में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में 6 और 7 मई से बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो सकता है। विवादों से घिरी फिल्म द केरल स्टोरी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी बवाल मचा हुआ है। हालांकि इससे फिल्म की जमकर पब्लिसिटी भी हो रही है। फिल्म में 3 ऐसी लड़कियों की कहानी को पर्दे में दिखाया गया है जिसे धर्म बदलकर ISI में शामिल कर दिया जाता है। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में आतंकवादियों ने गुरुवार शाम सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी की हल्की चोट आई है, जिसे अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर दी है और आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों का धरने का आज 13वां दिन भी जारी है। गुरुवार को देर रात धरना स्थल पर किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां उन्होंने पहलवानों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान किए। अब तक रूस यूक्रेन जंग में न्यूट्रल रोल प्ले करने वाला इजराइल ने यूक्रेन को एक स्पेशल मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया है। इसमें 2 खास बातें हैं। पहली, आम यूक्रेनी नागरिकों की जान बचाई जा सकती है। दूसरी, इसका एडवाइज्ड वर्जन इजराइल में तैनाती से पहले ही यूक्रेन को दिया जा सकता है। फिलहाल सुबह की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।